सो हेलो गाइस, यार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉलोअर कार्ट में। तो यार गाइस, इस वीडियो में बेसिकली हम आपको बताने वाले हैं कि आपका चैनल कैसे सर्च में आएगा। जी हाँ बिल्कुल, कुछ बंदों का चैनल है, उन्होंने वीडियोस भी डाली हुई हैं, लेकिन अगर कोई उनका चैनल सर्च करता है तो सर्च में नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आपको कैसे अपना चैनल सर्च में लाना है, कैसे आपको अपना चैनल सर्च में लाना है। और अगर आप अपना चैनल किसी को बता रहे हैं और आपका चैनल अगर कोई YouTube पे सर्च कर रहा है तो आपका चैनल कैसे सर्च में आएगा, इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल फॉलोअर कार्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार चैनल सर्च में लाने के लिए आपको सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। जी हाँ बिल्कुल, इस वीडियो में हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं दिखाएंगे क्योंकि कुछ इश्यूज हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा, तो इसलिए हमारे चैनल फॉलोअर कार्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यार चलिए बताते हैं, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यूट्यूब स्टूडियो वहाँ पर ओपन करना है। याद रहे आपको क्रोम ब्राउजर में अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, सेटिंग्स के ऑप्शन पर आपको फिर से क्लिक करना है। जी हाँ बिल्कुल, सेटिंग्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे जनरल और चैनल दो ऑप्शंस आ रहे होंगे, ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं लेकिन आपको चैनल के ऑप्शन पर जाना है। चैनल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, फिर वहाँ पे आपको कोई कीवर्ड्स दिख रहे होंगे। जी हाँ बिल्कुल, कीवर्ड्स आपको वहाँ पे अपने चैनल के अकॉर्डिंग टाइप करने हैं। याद रहे आपका चैनल नेम जो है, आपका यूट्यूब का जो अकाउंट है उसका नेम ऐसा होना चाहिए जो आपके ऑडियंस को, आपके जो ऑडियंस है जो आपका चैनल सर्च कर रही है उन्हें याद रहे। जी हाँ बिल्कुल, कोई हार्ड आपका चैनल नेम नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि हमारे चैनल का नाम है फॉलोअर कार्ट। जी हाँ बिल्कुल, FOLLOWERCART। जी फॉलोअर कार्ट अगर आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल फर्स्ट रैंक पे आएगा। फर्स्ट रैंक पर हमारा चैनल अभी चल रहा है। तो इसी तरह आप भी अपने चैनल का नाम रखेंगे और वहां पर कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो डाल देंगे अपने चैनल के अकॉर्डिंग। जैसे हमारे चैनल का नाम है फॉलोअर कार्ट, तो कुछ बंदे जिन्हें याद नहीं रहता कि क्या नेम था तो वो डाल देते हैं फॉलोअर कार्ट डाल देते हैं। जी हाँ बिल्कुल, CART की जगह CARD डाल देते हैं। तो मैंने वहां पे कीवर्ड में डी भी लगाया हुआ है, फॉलोअर कार्ट भी लगाया हुआ है, कार्ट फॉलोअर भी लगाया हुआ है और फॉलोअर्स कार्ट भी लगाया हुआ है। जी हाँ, फॉलोअर के बाद एस भी लगाया हुआ है, फॉलोअर्स कार्ट भी। तो इसी तरह आपको भी अपने चैनल के अकॉर्डिंग, आपके चैनल पर आपका जो अकाउंट नेम है उसके अकॉर्डिंग अपने कीवर्ड्स डालने हैं, फिर आप चेक करिएगा आपका चैनल 100% रैंक में आएगा। जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, एक दो दिन लग सकते हैं क्योंकि अपडेट होने में भी थोड़ा टाइम लेता है YouTube, लेकिन आपका चैनल रैंक पे आ जाएगा। तो यार यही थी आज की वीडियो, हमने आपको बताया कि आपको कैसे अपना चैनल रैंक पे लाना है, कैसे अपने चैनल को सर्च में लाना है। जी हाँ बिल्कुल, तो यार यही थी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, किसी न्यू टेक्निकल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। और एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, इस चैनल पर आपको कुछ ऐसी टेक्निकल वीडियोस मिलती रहती हैं तो आपको हमारे चैनल फॉलोअर कार्ड को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, किसी न्यू टेक्निकल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।